हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम अगस्त का 22 से लेके 31 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है सब डिस्कशन करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट टू होगा। इससे पहले वीडियो का पार्ट वन मेरा चैनल पे डाला हुआ है, लिंक आई बटन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को डिस्कशन करते हैं। पहले देखते हैं मणिका बात्रा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। मणिका बात्रा कौन सा स्पोर्ट्स से नाता रखते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस गेम से ये नाता रखते थे, हाल ही में ये न्यूज में थे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिका बत्रा इज एसोसिएटेड विथ टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू MD के रूप में किसको अपॉइंटेड किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक का न्यू MD के पद पे अपॉइंट किया गया है। SBI का हेडक्वार्टर आप सबको पता होगा मुंबई पे, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। सो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कितना है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 57। इंडिया का रैंक 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन फैसिलिटी किसने लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द कर्मो जॉब्स ऐप इन इंडिया टू हेल्प पीपुल टू फाइंड जॉब। कर्मो जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। गूगल ने कर्मो जॉब ऐप लॉन्च किया है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये हेल्प करेगा, कर्मो जॉब्स ऐप, इसको गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। हर साल ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है, और इस साल भी मनाया गया था, तो आपको बताना है ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस दिन में मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who will receive the 2020 Leadership Award from USISPF? जो USISPF होता है, इसका फुल फॉर्म है USA United State, I से India, S से Strategic, P से Partnership, F से Forum. So United State India Strategic Partnership Forum इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा एक लीडरशिप अवार्ड दिया जाता है, और इस साल के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनंद महिंद्रा एंड शांतनु नारायण। आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप से है, एंड ये शांतनु नारायण जो कि आडोब ग्रुप से है, आडोब, इन दोनों को इस साल के लिए लीडरशिप अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स हायरिंग इनिशिएटिव नेम्ड गीगा अपॉर्चुनिटीज। गीगा अपॉर्चुनिटीज किस बैंक ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर ये 1000 नंबर ऑफ पर्सन को रिक्रूटमेंट करेगा। सो ये जो रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव किस बैंक ने लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई पे है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई पे है। अभी का एक्सिस बैंक का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी अभी का इनका CEO है। एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। बहुत अच्छा टैगलाइन है, याद भी रहेगा, भर्ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड व्हिच मोबाइल ऐप टू मॉनिटर प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवे। सो जो नेशनल हाईवे होता है, इसके दो साइड में प्लांटेशन करने का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिसका अभी का मिनिस्टर का नाम है नितिन गडकरी। उनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये मॉनिटर करने के लिए प्लांटेशन को। वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सो वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है हरित पथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गायोफेन 905। जो गायोफेन 905 करके एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस कंट्री हाल ही में लॉन्च किया है, किस देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चाइना का कैपिटल है
बीजिंग, आप सबको सब पता है चाइना का कैपिटल बीजिंग। अभी का जो चाइना का प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग। जी जिनपिंग अभी का चाइना का प्रेसिडेंट है। अगर चाइना का करेंसी पूछेगा वो है युआन, युआन चाइना का करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच कंट्री हैज डिस्कवर्ड ए लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी में कौन सा देश हाल ही में एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व को डिस्कवर किया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की। तुर्की ने इसको हाल ही में डिस्कवर किया है। तुर्की का कैपिटल है अंकारा। अंकारा तुर्की का कैपिटल है एंड तुर्की का करेंसी है तुर्किश लीरा। तुर्की का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु विल हेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ये ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एक नेशनल काउंसिल किया गया है। ये नेशनल काउंसिल को कौन सा मिनिस्ट्री हेल्प लीड करेगा? सो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर जिनका नाम है थावर चांद गेलहर्ट, ये इसको लीड करेंगे, हेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल क्रिस्टेंडेड तंबी महोत्सव 2020 इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट, इन व्हिच स्टेट। सो कौन सा राज्य में ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल तंबी महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरला में। केरला में ये पहले बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है एंड केरला का चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयन। केरला का चीफ मिनिस्टर है। केरला का गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, केरला का अभी का गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सस्तो डील इज एन ई कॉमर्स कंपनी ऑफ व्हिच कंट्री। कौन सा देश का ये ई कॉमर्स कंपनी है सस्तो डील, जिसका नाम है सस्तो डील, तो ये कौन सा देश का ई कॉमर्स कंपनी है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल का ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है सस्तो डील एंड नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। नेपाल का कैपिटल है। नेपाल का करेंसी नेपाली रूपी नेपाली का करेंसी है। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर का नाम है आरपी सिंह ओली। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु पेंटेड माई लास्ट रेड करके जो किताब है इसका ऑथर कौन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री आयर इस किताब का ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन पवेलियन एट द आर्मी 2020 एन इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम वॉज इनागुरेटेड इन विच कंट्री। किस देश में ये इंडिया पवेलियन एट द आर्मी 2020 को इनागुरेट किया गया है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रशिया में इसको इनागुरेट किया गया है। रशिया का कैपिटल पता होगा आपको, मॉस्को रशिया का कैपिटल है। रशिया का प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन रशिया का कैपिटल सॉरी प्रेसिडेंट है एंड रशिया का करेंसी रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषणचर आइलैंड व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। कौन सा देश में ये भाषणचर आइलैंड है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ये आइलैंड बांग्लादेश पे है। एक्चुअली ये बे ऑफ बंगाल पे ये एक आइलैंड है जो कि बांग्लादेश का टेरिटोरी के नज़दीक है। सो इसीलिए ये बांग्लादेश में है, भाषणचर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स हैज लॉन्च्ड व्हिच मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू एस्पिरेंट्स। सो कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माई आई ए एफ करके एक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। इंडियन एयरफोर्स का अभी का जो चीफ है उनका नाम है आर के सिंह बहादुरिया अभी का इंडियन एयरफोर्स का चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। रनिंग Towards Mystery, The Adventure of an Unconventional Life का ये जो किताब है इसका ऑथर कौन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेंजिन प्रियदर्शी।
तेंजिन प्रियदर्शी इस किताब का ऑथर है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ओन दी ओमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल। ये जो ओमेन्स ब्रिटिश ओपन है इसका विनर कौन है, ये इसको हाल ही में 2020 में इसको रीनेम किया गया है AIG ओमेन्स ओपन, AIG ओमेन्स ओपन, ये इसका विनर कौन है। सो इसका राइट आंसर है सोफिया पोवोव, जो कि जर्मन से है सोफिया पोवोव 2020 का ये ओमेन्स ब्रिटिश ओपन का विनर है। और आपको मैं बता दूं, ये जो AIG ये गल्फ गल्फ गेम से नाता रखता है AIG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच बैंक विल एक्वायर 17% इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में 17% स्टेक को एक्वायर करेगा। अभी आपको बताया था जो एक्सिस बैंक का जो सीईओ है उनका नाम है अमिताभ चौधरी, और इसके हेडक्वार्टर में बताया था मुंबई पे, टैगलाइन बताया था बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। सो ये सगुन इंश्योरेंस पॉलिसी को किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको SBI लाइफ जो बोलते हैं जिसको, इसको ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बिकम द फर्स्ट फर्स्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट। टेस्ट क्रिकेट में पहला कौन फर्स्ट बॉलर बना है 600 विकेट लेने का। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड का प्लेयर, ये पहले फास्ट बॉलर है जो कि 600 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच कॉन्टिनेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फ्री ऑफ पोलियो वायरस बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पोलियो फ्री होने के लिए जो डिक्लेयर किया गया है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट को डिक्लेयर किया गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिल्कुल पोलियो फ्री हुआ है करके डिक्लेयर किया गया है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर ये जेनीवा में है, जेनीवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो कि स्विट्जरलैंड पे है। एंड अभी का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका डायरेक्टर जनरल DG है, उनका नाम टेड्रोस आधानम अभी का डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which has become the first bank in India to use the satellite data to assess credit worthiness of farmer. So iska right answer hai option b ICICI bank pehla bank hai India ka jo ki satellite data ko use karke farmer ka credit worthiness guess karega and unko loan dega. So and Axis bank ka abhi ka jo CEO hai unka naam hai संदीप बक्सी, इनका सीईओ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है। एंड इसका जो टैगलाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका, इसका टैगलाइन। वीडियो में इतना ही है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।